कमांडो अरुण गौतम के ऊपर लगाए गए फर्जी तरीके से राशि का हटाए जाने के संबंध में कई संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, समाज सेवी कमांडो अरुण गौतम पर विद्युत आपूर्ति के संबंध में बिजली विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी राशि को हटाने के लिए SDM तेवथर को कई सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया है। उनके अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। उनके ऊपर लगाए गए फर्जी राशि की शीघ्र जाँच कराकर हटाए जाने की मांग की गई है। यदि 48 घंटे में जांच कराकर राशि नहीं हटाई जाती तो आंदोलन के लिए हमारा संगठन मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको सुनाते हैं ललित मिश्रा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा अखिलेश द्विवेदी जुबानी, कौन सही कौन गलत जांच के बाद पता चलेगा। तहसील ब्यूरो चीफ कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। डाल दें क्योंकि अब हम लोगों का कमांडो अरुण गौतम जो है सदैव किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और आप किसान नेता हैं, लेकिन किसान संगठन इतनी देर से क्यों जागा? किसान संगठन शुरू से ही जागा है, शुरू से ही ज्ञापन, पहले दिन ही ज्ञापन यहाँ दिया गया था। उनके सर में चोट लगी है, उसके बारे में उनको उपचार के लिए ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद उनकी FIR दर्ज कराने के लिए ज्ञापन दिया गया था, परंतु कोई कार्यवाही न होने के कारण आज लगभग 20-22 दिन बाद फिर हम ज्ञापन दे करके अब आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और 21 तारीख से यहाँ अगर रासुका जैसी धाराओं को विलोपित नहीं किया जाता है, हटाया नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर तेउथर तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय रक्षा जिला निर्माण मंच के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी कल्पना नहीं किए होंगे कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आज जो है विज्ञापन जो है माननीय नायब तहसीलदार के माध्यम से दिया गया है कमांडो अरुण गौतम जी के संबंध में, आप लोगों की जो है ये कब की रणनीति है और क्या इस पर कार्रवाई होगी? अभी तक हम लोगों ने शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा करके एक दो हमारे साथियों के द्वारा कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है कि रासुका जैसी धाराओं को कमांडो अरुण गौतम के ऊपर से हटा ली जाए, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, सिर्फ मात्र मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है लगातार कि जांच करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, जबकि धरती पर कोई जांच नहीं हो रही, हवा में सारी जाँचें हो रही हैं। तो हम लोग अब ऊब करके जो जिस तरह से कमांडो अरुण गौतम समाजसेवी को फंसाया गया है और जिस तरह से कूट रचना करके रासुका और SC ST जैसी धाराओं में धाराओं को लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है, उसका हम लोग विरोध करके आज माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा ज्ञापन देकर के कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय से मैं ये मांग करता हूँ कि तत्काल कमांडो अरुण गौतम के ऊपर लगाई गई रासुका और SC ST इसलिए क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, हम सिर्फ अधिकारी जानते हैं कि ये अधिकारी हमारे बिजली विभाग का है, ये अधिकारी हमारे राजस्व विभाग का है, हम ये नहीं जानते हैं कि वो SC ST का है या सामान्य वर्ग का है। इसलिए हम लोगों का ये विरोध है कि SC ST की जो भी धाराएं लगी हैं और उसके साथ में रासुका लगी हैं, अगर हमने अपराध किया है तो जो भी आपराधिक धाराएं होती हैं वो लगाएं, लेकिन ये जो कूट रचना करके रासुका जैसी धाराओं को लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया गया है, इसके विरोध में अगर 48 घंटे के अंदर शासन प्रशासन नहीं जागता है तो हम अनवरत 21 तारीख से तहसील मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर रासुका से ही सारी समस्याओं का हल होता है तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने समाज से